आज के दौर में यूपी और बिहार में भी 2400 घंटे बिजली मिल रही है और कट भी बेहद कम है, लेकिन हिमाचल जहां बिजली बनाकर बेची जाती है वहां बिजली के कट अंधाधुंध लग रहे हैं। सोलन भी इससे अछूता नहीं रहा है। यहां कभी बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर जल रहे हैं तो कभी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। यही नहीं, कभी बिजली विभाग घोषित कट लगा रहा है तो कभी अघोषित कट लगाकर जनता को परेशान किया जा रहा है। आज के दौर में यूपी और बिहार में भी 2400 घंटे बिजली मिल रही है और कट भी बेहद कम है, लेकिन हिमाचल जहां बिजली बनाकर बेची जाती है वहां बिजली के कट अंधाधुंध लग रहे हैं। सोलन भी इससे अछूता नहीं है। यहां कभी बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर जल रहे हैं तो कभी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। यही नहीं, कभी बिजली विभाग घोषित कट लगा रहा है तो कभी अघोषित कट लगाकर जनता को परेशान किया जा रहा है। यही कारण है कि सोलन में बिजली की आंख मिचौले से शहर के लोग बेहद बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। बिजली पर आधारित उद्योग, व्यापार, बच्चों की शिक्षा, बैंकों का लेन देन सभी इससे बेहद प्रभावित हैं, लेकिन विभाग है कि कोई सुध ही नहीं ले रहा है और अधिकारी शायद टांगों पर टांगे रखकर आराम की नींद सो रहे हैं। रोष प्रकट करते हुए शहरवासियों अंकुश सूद और विनेश शर्मा ने कहा कि बिजली का कट ये कहकर लगाया कि मुरम्मत का काम किया जा रहा है, लेकिन हद तो ये है कि जिस दिन से ये कट लगा है उस दिन से रोज 8 से 10 घंटे लगाए जा रहे हैं। वे किसी भी तरह का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। दुकानदार भी बेहद परेशान है। ग्राहकों को मोबाइल की रोशनी में सामान दिखाकर माल बेचा जा रहा है। जहां बाजार एक और मंदी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के कटों से भी उसी को जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस बारे में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को शिमला में शिकायत करनी चाही तो उनकी शिकायत पर किसी ने गौर नहीं किया और उन्हें टाल दिया गया। आजकल सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और जो बिजली विभाग है उसकी लापरवाही कहें या अनदेखी कहें कि जिसका भुगतान जो है सोलन की जनता कर रही है। कई दिनों से लगातार जो है बिजली के अनियमित कट लगते जा रहे हैं। अभी हाल ही में सोमवार को बल्कि 10 से 5 भी जो कट लगा था वो इसीलिए इन्होंने कट लगाया था कि रखरखाव किया जाए, परंतु आज देखिए आज फिर आप सुबह से कम 5-10 बार लाइट अभी तक जा चुकी है। हम कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, 10 बार कंप्यूटर ऑन ऑफ हो रहे हैं, यूपीएस में भी कितनी देर पावर रहेगी, और विंडोज़ जो है वो उड़ चुकी हैं, जिसको अगर मैंने अभी ठीक कराना है तो 400 से 500 रुपये जो है वो ठीक करने वाला लेगा। लोग बहुत परेशान हैं। मैं टैंक रोड पे रहता हूँ, वहाँ पे तो इतना बुरा हाल है, सुबह 8 बजे ही लाइट चली जाती है, बड़ी हैरानी की बात है। और अगर लाइट होती है तो फिर वोल्टेज ही नहीं होती है, तो हम तो किसी पिछड़े हुए गाँव से भी बुरे हाल से टैंक रोड पर रहते हैं, जहाँ पर लाइट होती है तो वोल्टेज नहीं होती है, अव्वल तो लाइट ही नहीं होती है। और व्यापारी वर्ग तो इतना परेशान है, जो लोग भी बिजली के बिजनेस से जुड़े हैं, जो कंप्यूटर्स फोटोस्टेट का काम करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, हम सबको तो आजीविका कमाना भी इस हिसाब से बहुत मुश्किल हो गया है। आप देखिए कि कट तो इन्होंने 9 से 5 का पहले अखबार में दिया था सोमवार को, और लगाया भी 5 से भी ज़्यादा देर तक, परंतु उसके बाद भी ना जाने क्या कमियाँ रह गई है कि कल भी सारा दिन लाइट आती जाती रही, आज भी सारा दिन लाइट आती जाती रही। कुछ बच्चों ने फॉर्म भरने हैं, पीजीटी के हैं, कोई लास्ट फॉर्म डेट्स हैं, पर इनको कोई परवाह नहीं है। आप देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो खुद बिजली उत्पादक है और बिजली को सेल भी करता है जब गर्मियां होती हैं, पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट्स को। पर हैरानी की बात है कि जब सर्दियां आती है और हिमाचल को ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है तो हम अपने ही क्षेत्रों की जो है वो बिजली आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। मेरा नाम विनीत शर्मा है और मैं सोलन सिटी में, हमारी शॉप है कपड़ों की, और यहाँ पिछले 3 दिनों से जो है वो बिजली नहीं है। पहला दिन तो चलो ये था कि न्यूज़पेपर में आ चुका था कि एक दिन कट लगेगा, अब दूसरे दिन में, आज तीसरा दिन है, और दूसरे दिन में क्या हुआ कि वो आ रही है बिजली और फिर कभी जा रही है, आ रही जा रही है, यही हो रहा है, और आज तीसरा दिन है, आज भी यही हो रहा है। अभी भी देखो, जैसे आप ये देख रहे हैं कि अभी हमारी दुकान में लाइट नहीं है, तो हमारा जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर है हमारी शॉप। अब जो भी हमारा कस्टमर आता है वो तो अंदर को आता है, और हमारे पास अगर लाइट ना हो तो हमें उसको टॉर्च के रोशनी से दिखाना पड़ता है, ये देखो ये सूट है ऐसा, तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 3 दिन हो चुके हैं बिजली को, ये मतलब ठीक आए, ढंग से आए बिजली, और हम बिजली का बिल भी तो टाइम पे कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ होना चाहिए और सोलन में बिजली आनी चाहिए। मेरी सुबह, आज सुबह तीसरे दिन, आज सुबह भी मेरी बात हुई है शिमला ऑफिस में कि ये क्या दिक्कत आ रही है सोलन सिटी में, काफ़ी मतलब 3 दिन हो चुके हैं आज, तो उन्होंने भी कोई सेटिस्फैक्ट्री सा आंसर नहीं दिया। उन्होंने भी एक किसी का नंबर दे दिया कि आप उनसे पता कर लो।